एक प्रश्न आया है, गुरु मैया वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा है? प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा है? पहले तो अपौरुषेय शब्द को समझ ले। अ याने नहीं, पौरुषेय पुरुष के द्वारा कहा गया, मतलब जो पुरुष के द्वारा, मतलब व्यक्ति के द्वारा, कोई मनुष्य के द्वारा, भले वो महापुरुष भी हो, लेकिन कोई पुरुष के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई ऋषि के द्वारा, कोई मुनि के द्वारा, कोई ज्ञानी के द्वारा जो कहा गया नहीं है, अपौरुषेय किसी व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया नहीं है, तो क्या है? हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि जिसके पास से हम सुनते आए हैं, उन्होंने कहा है कि वेद का एक नाम है श्रुति। श्रुति यानी जो सुनाई दिया गया है, श्रुति यानी सुनाई दिया गया है। हजारों वर्ष पहले, मतलब वेद प्रकट कैसे हुए ये बता रही हूं मैं, हजारों वर्ष पहले परमात्मा ने कायनात को पैदा किया, जब पूरे ब्रह्मांड को तैयार किया, और इसमें पर्टिकुलर मैथुन सृष्टि की रचना करके मनुष्यता को उत्पन्न किया, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य को जो उत्पन्न किया, तो उस मनुष्य को अनुशासन में कैसे रहे, मनुष्य अनुशासन में कैसे रहे? कुछ जीवन जीने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना। मनुष्य मनुष्य बनकर कैसे जिए, अमानुष नहीं, मानुष मानुष बनकर कैसे जिए? उसके जीवन के लिए कुछ नियम, कुछ संयम, कुछ ज्ञान, कुछ समझ, ये पूरी मनुष्य को समझ देने के लिए जो वाणी सीधी ब्रह्मांड में से उतरी और ऋषि मुनियों ने प्राप्त की, उसे कहे वेद। श्रुति, श्रुति यानी जो सुनाई दिया, कान के द्वारा जो सुनाई दिया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सीधी ब्रह्मांड में से, आज भी पकड़ी जाती है वाणी लाखों साल पहले की, आप गूगल पर देखेंगे तो सब मिलेगा आपको। मुझे डिटेल में नहीं जाना है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, इतना ही प्रश्न है, तो यहाँ ही मुझे अटकना है। लेकिन बात यह है कि मनुष्य को अनुशासित रहने के लिए, अच्छी तरह से, अच्छे से अच्छी तरह से मनुष्य कैसे जीवन जी पाए, और मनुष्य मनुष्यता कैसे सार्थक हो, मनुष्य अवतार कैसे सार्थक हो, इसलिए ब्रह्मांड में जो वाचा फूटी, वे उसमें जो वाणी उत्पन्न हुई, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो सुना कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, क्या करना चाहिए और जीवन में क्या करना नहीं चाहिए, क्या उत्तम है, क्या कनिष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है, क्या अधम है, ये हर तरह से मनुष्य को शिक्षित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए जो वाणी उतरी और ऋषि मुनियों ने सुनी, जिसे इसलिए उसे श्रुति कहा गया, इसलिए उसे वेद कहा गया। दूसरी बात, पहले तो तीन वेद ही थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, जिसे त्रयी कहते हैं। अगर आप त्रयी शब्द सुनो तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीन ही वेद थे पहले। बाद में चौथा वेद आया और चारों वेद माने गए, अथर्ववेद बाद में आया है, ऐसा हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे मनीषी कहते हैं। एनीवे, वेद के छह अंग है, बहुत सिस्टमेटिक है, जो कुछ भी वाणी ब्रह्मांड में से उतरी है हमारे लिए, हमारे लिए, क्योंकि हम इंसान है ना, किसी और की बात नहीं कर रहे हम, हमारे लिए करोड़ों वर्ष पहले मनुष्यता को उत्पन्न करके भगवान नहीं मान लो, क्योंकि वेद का एक अर्थ ब्रह्म भी होता है, वेद का एक अर्थ सत्य भी होता है, और ये बुद्धिगम्य नहीं है, बुद्धि से ये बात नहीं समझ में आती है, ये बात
की अनुभूति अंतरात्मा करती है, ये बात की अनुभूति चेतना करती है, ये बात की अनुभूति विशुद्ध प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा बिल्कुल शुद्ध हो गई हो, वही मनुष्य ही कर सकता है। हर आदमी की बस की बात नहीं है। कीड़ों की तरह धरती पर रेंगते हैं और जीते हैं अमीबा की तरह परोपजीवी होकर, ऐसे लोगों के लिए नहीं, लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ बनने के लिए। अमृत की संतान है तो इस तरह से आप जीवो, तो मानव श्रेष्ठ बनने के लिए जो उपदेश ब्रह्मांड में से सीधा उतरा, कुरान भी ऐसे ही उतरा है, पता है ना आपको, मोहम्मद साहब तो माध्यम थे, कुरान ऐसे ही उतर, कुरान की आयतें उतरती थी तो मोहम्मद साहब तो घबरा गए थे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसकी पत्नी ने कहा कि ये तो देवी वाणी उतर रही है, स्वर्गीय वाणी उतर रही है, और आप धन्यभागी हो कि आपका शरीर माध्यम बना, आपके कर्ण माध्यम बने, और ये तो कायनात के कल्याण की बात है। कि तो यही बात हमारे वेदों में कही गई है, हमारे ऋषि ने कहा है कि सीधी वाणी उतरी है। वेद के 6 अंग है, बहुत विस्तार में नहीं पढ़ेंगे, परंतु 6 अंगों में एक तो है शिक्षा। शिक्षा तो शिक्षा का अर्थ है कि उच्चारण विज्ञान, शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाए, उच्चारण विज्ञान, उसे शिक्षा कहते हैं। दूसरा अंग है छंद, जो छंद शास्त्र पूरा, शास्त्र मीटर, छंद शास्त्र पूरा। तीसरा है व्याकरण, ग्रामर, सिस्टमेटिक है सब। तो मनुष्य के भाषा के लिए, बोलने चालने के लिए एक ब्रह्मांड में से उतरा है पूरा, हाँ, ये ध्वनित हुआ ब्रह्मांड में, तो ये व्याकरण। फिर है निरुक्त, तो निरुक्त किसे कहते हैं, जिसकी उक्ति हो नहीं सकती। कुछ कठिन शब्द वैदिक ऐसे हैं कि जिसके निर्वचन परक व्याख्या बताई गई, उसे निरुक्त कहा है, वेदों का एक भाग है निरुक्त, कि उच्चार उसका हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी व्याख्या बताने की कोशिश की, वो क्या वाणी उतरी होगी और ऋषि मुनियों ने कैसे ये बताया होगा, सोचो तो सही। फिर है ज्योतिष, ज्योतिष को तो आँख कही है वेद की, वेद के नेत्र कहे हैं ज्योतिष को, तो ज्योति, ज्योति का अर्थ तो है प्रकाश, तो इसमें नक्षत्र विद्या और गणितिक ज्योतिष, ये दो विभाग आते हैं। और छठवां है कल्प, तो कल्प में है कर्मकांड और कर्मकांड का अनुष्ठान कैसे किया जाए, तो ये 6 अंग मिलकर वेद बनते हैं। दोस्तों, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा, फिर से एक बार कहूँ कि ये किसी पुरुष ने या व्यक्ति ने या कोई साधु संत ने या ऋषि मुनि ने नहीं लिखा है, लेकिन ब्रह्मांड में से मनुष्यता के कल्याण के लिए, और मनुष्य अगर एक दूसरे के साथ अच्छे से संवाद से जुड़ पाए, विवाद के लिए नहीं, संवाद के लिए जुड़ पाए, इसलिए आसमान में से जो वाचा उतरी है ध्वनि रूप में, और फिर धीरे 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 आज अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, तो ये परमात्मा के द्वारा जो उतरी और सुनाई दी गई, इसलिए उसे अपौरुषेय कहा और श्रुति कहा। धन्यवाद।